बहाना है सरकार इस लॉकडाउन में सारे बिहारवासियों को इतना बड़ा मुसीबत का सामना झेलना पड़ रहा है जो हम लोग ये समझ रहे हैं। इस महामारी में हम लोग को 2 साल से बिजनेस बहुत ठप हो गया है और हम लोग कर्ज के हकदार हो गए हैं। हमारे नीतीश कुमार से यही आग्रह है कि इस महामारी को अपने स्तरीय से कुछ करें और बिजनेस वाले को थोड़ा सा बहुत बड़ा दिक्कत हो रही है, जैसे में कि बिजली बिल और जो हमारे वाले के रोटे हम लोग जमा करना पड़ेगा। हम लोग बिजली बिल, किराया दुकान का और घर का खर्चा चलाने में हम लोग सक्षम नहीं है और ये नीतीश कुमार जी हमारे पूरे लॉकडाउन जो किए हैं पूरे बिहार में, इस पर हमारे भाइयों को कुछ खाने पीने गरीब आदमी को बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ता है। क्या आर्थिक मंदी भी है, जैसे दुकानदार किराया हम लोग तो मालिकों का प्रेशर रहता है। हाँ, हम लोग को दुकान का किराया बंद रहने से किराएदार किराया नहीं छोड़ता है और हम लोग से पैसा वसूल ही लेता है। बिजली वाले भी बिजली वाला भी तंग करता है और हम लोग घर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। कुछ इसके लिए सरकार को करना चाहिए। बोधगया में क्या स्थिति है? बोधगया का सबसे स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ टूरिस्ट वगैरह के आने जाने के प्रतिबंध लगा हुआ है और हमारे बोधगया में सारे टूरिस्ट पॉइंट तो चलता था और वो है सब मरे हुए हैं। यहाँ का किराया से ही ज़्यादा अतीत हो रहा है। अपना परिचय? मेरा नाम टिंकू कुमार बोधगया। Thank you.